ओके देख आम लास्ट टाइम पढ़ी थिले जे अर्थ इफेक्ट है ना नहीं आम अर्थ इफेक्ट रे पढ़ी थिले जे केमिति आम डिसाइड करिबा जे को सब्स्टिट्यूएंट थिले आमर कौन कौन बेसिसिटी ऑर्डर आसीबो ता रिलेटेड किछे प्रॉब्लम देख हम करूछि। फर्स्ट के कौन लिखिली सपोज मोर अच्छे NH3 NH2 ओके से नेक्स्ट रे कौन अच्छी मेटा पोजिशन कौन अच्छी NH2 रहिला मेटा पोजिशन कौन अच्छी NO2 ओके प्लस कौन कली ना देख ए अर्थ पोजिशन रखिली कौन NH2 एठी रखिली कौन NO2 पारा पोजिशन आ गोटे किए रर्थ पोजिशन NH2 एठे कौन रहिला NO2 तो बर्तमान कह यार बेसिसिटी सिक्वेंस और ऑर्डर है कौन एंड व्हाई रीजन भी पचार तो केमी लेख से जिनसटा देख आम का डिस्कसन करते अर्थ इफेक्ट जो यहाँ हम सब लास्ट यहाँ पारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अच्छी कहार NO2 पारू बेटर रिजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एठिक आसू मेटारू आसी पारुनी एठी किसी भी ग्रुप ना ओके सो यार आंसर टाक लेखार स्टाइलटा पुणि तो जाना दरकार ठीक अच्छे लेखा इंपोर्टाट न लेखिपारे तुम जिते बुझीदे लाभ कौन देख आंसर फास्ट टाइप कौन लिख ना इन आनिलिन फास्ट आनिलिन काम सारीदेव इन आनिलिन आनिलिन नो NO2 ग्रुप ओके नो NO2 ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओके विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट सो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर सुना ए क्वेश्चन आंसर देखिला बेले स्पीड टाकू 2x स्पीड कर दबो अजथारे टाइम वेस्ट करिवनी ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली सो इट इज मोस्ट बेसिक कौन कहली मोस्ट बेसिक क्लियर ठीक अच्छे मोस्ट बेसिक है गला अच्छा वर्तमान नेक्स्ट पॉइंट रे कहा पाई लिखी एटा पाई मेटा पाई या ना कौन मेटा नाइट्रो आनिलिन ओके कौन कहली मेटा नाइट्रो आनिलिन तो लिख इन मेटा नाइट्रो आनिलिन द NO2 ग्रुप इज एट मेटा पोजिशन ओके सो ड्यू टू देख पूरा सिंपली स्ट्रेट आंसर लिख बुले कि 10 लाइन लिखा दरकार नहीं ड्यू टू लैक ऑफ कंजुगेशन कौन कहली लैक ऑफ कंजुगेशन द विड्रॉइंग एबिलिटी विथड्रॉइंग एबिलिटी इज लेस ओके सो इट इज लेस बेसिक दैन एनिलिन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एनिलिन रु से कम हो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 बट मोर बेसिक दान ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स लिखीदल तो मेटार पोजिशन ये मिलगला एटी सेकेंड रे बोली फास्ट ये सेकेंड ठीक अच्छे बर्तमान आम काम कौन आम ये करवा क्या विषय लिखा तुमर फेमस कौन अर्थो आउ पारा विषय ठीक अच्छे तो थर्ड पॉइंट एमती डायरेक्टली लिख थर्ड पॉइंट लिख बिटवीन कौन कहली अर्थो ए सॉरी पारा एंड मेटा ओके बिटवीन पारा एंड मेटा सॉरी पारा एंड अर्थो ड्यू टू
वर्डटा एबे इम्पोर्टेंट हो जो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट परीक्षा क्षेत्र में एमती बड़ लिखिदे थोड़े समस्त आखिरे पड़ो ऑर्थो इफेक्ट द विड्रॉइंग एबिलिटी विड्रॉइंग एबिलिटी इन ऑर्थो आइसोमर इज मोर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनएच टू डिक्रीजेस मोर सो इट इज लिस्ट बेसिक लिस्ट कहले सब सान लिस्ट बेसिक तो सब साना पाईगले मझे सिक्वेन्सटा किए हो कितु पारापाई गोटे लाइन भी लिखे हला तो कौन लाइन टा लिख ना एमती लिख ना इन केस ऑफ पारा कंजुगेशन इज बेटर कंजुगेशन इज बेटर ओके सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मोर दैन मेटा आइसोमर है मेटा रु एटारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक कमी जाती लिखिपर टोटाल ये लिखिदेले तुम कौन होती लिखिदेल तुम कम सरीगला कौन गोटे क्वेश्चन आंसर तीन मार्क क्वेश्चन आंसर लिखिदे पार सो द ऑर्डर इज दिस ओके फर्स्ट प्रॉब्लम सरीगला चल जा सेकेंड प्रॉब्लम मुझक कह भी ना एत लेखा तुम कम है तुम्हें रिजन कह मु रिजनटा कहीदी तुम्हें ताको लिख फास्ट फास्ट ओके तो ये रहा कौन एन एच टू ये रण सी एच थ्री ठीक अच्छे ये रहा एमती एन एच टू सी एच थ्री ये रन एच टू लास्ट को किए आस अर्थोआइसोमर है ना कौन टॉलुइडिन या ना कौन पारा टॉलुइडिन पारा टॉलुइडिन है या ना कौन हो मेटा टॉलुइडिन एटा कौन आनिलिन ओके एटा कौन हो अर्थो टॉलुइडिन एक्चुअल सिक्वेन्सटा कौन हवा कथा जदि आम ओरिजिनली यार प्लस आई इफेक्ट देखा कथा पारार सब हाइस्ट हवा कथा तापर किए आसा कथा अर्थो तापर किए आसा कथा मेटा तापर किए आसा कथा आनिलिन ना नहीं यहाँ हवा कथा सुड बी हना ना किंतु यहाँ रंग कौन है ना हो पारा मेटा आनिलिन अर्थ है तो अर्थ पर फास्ट लिखिदब एम लिखिदब इन केस ऑफ गोटे लाइन लिखिदब इन केस ऑफ अर्थो आइसोमर और अर्थो टॉलुइडिन ड्यू टू कौन कहली ड्यू टू अर्थो इफेक्ट गोटे वर्ड तो शिखेची सरकार अर्थो इफेक्ट इट इज लिस्ट बेसिक ओके लिस्ट बेसिक काम सरीगला ओके वर्तमान क्या विषय लिखा यही तीन जनकर पारा मेटा आ कहार आनिलिन तो एमती लिखिदब तापर लाइन में लिखिदब क्या विषय आनिलिन विषय इन आनिलिन नो प्लस आई इफेक्ट सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोज एन एच एन आटम इज फिक्स्ड है एन आटम रे कौन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स हो गला सो इट इज लेस बेसिक दान कौन है
नाम पारा एंड मेटा आइसोमर्स हम ठीक अच्छे। बर्तमान हाएस्ट कह पारा ताप लिखिदेव तो मेटाटा ऑटोमेटिकली सेकेंड को पलि आस तो कमी लिख पारा पाई देख एबे केते सहज हो गला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुड़ाक सहज हो विड्रॉइंग टे भाभी चिंतिकी लिख ठीक अच्छे। तो जिते मु पारापाई कह एमती लिखिदेव इन पारा आइसोमर कौन कहली इन पारा आइसोमर द कंजुगेशन इज बेटर है सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर ऑन NH2 it becomes maximum by highest most basic clear so तापरे ती लिखि दे कि तमे लिखि दबो ई सीक्वेंस टा ठीक अछि। इथरे आउ टिके भी पारे आउ गोटे जिनस भी आड कर दे परिबो ड्यू टू बेटर रिजोनेंस द पाराइसोमर इन द पाराइसोमर द कंजुगेशन इज बेटर सो इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन हो जाउची इंक्रीजेस मोर ऑन एनएच टू ड्यू टू एठी लिखि परिबो एमती लास्ट को लिखि देबो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू मोर रिजोनेंस और मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओके जानिहला। मतलब ए दुटा क्वेश्चन आंसर सरी गला नेक्स्ट क्वेश्चन को जाऊ ठीक अच्छे। देख सो आम कौटिक आसबे बर्तमान आमे आसीले प्रॉब्लम थ्री ठीक अच्छे। प्रॉब्लम थ्री रे सपोज पूरा तुमको देइछि दीटा एनएच टू लगी एनएच टू तो एनएच टू टा मुझे कही एनएच टू टा कौन हो डोनेटिंग ना विड्रॉइंग डोनेटिंग तो दीटा जाक कौन हो डोनेटिंग है तो जहाँ टॉलुइडिन आसला मानते सी एच थ्री लगे ये भी से सिक्वेन्स एक्सपेक्ट कर तो यहाँ हब जहा या पूर्व क्वेश्चन रे लिखी थिल एबे सेटा लिखिवारे असुविधा नहीं ना असुविधा क्या हब ठीक अच्छे। तो एटा हब सिक्वेंस व्हाई जदि पचार थिबो सेम आज ए भव मुं लिखी देली ला सेम आज ए भव केवल सेठी सी एच थ्री जगार एठी कौन लिखी दबो एनएच टू हाँ ना नहीं ठीक अच्छे। तो यहाँ लिखला बेले जो सेम आज एव परीक्षा लिखिदेवनी मुझे जानी अधा छुआ लिखिदेवे सेम आज एव पा हाँ कॉपी कर शिखिंट ना अच्छा यहाँ लिखा पूर्व मानने आंसरटा लिखा पूर्व गोटे लाइन लिखिदेव कौन ना द एनएच टू ग्रुप बामती खाली लिखिदेव एनएच टू ग्रुप आक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट ठीक अच्छे। बुझ पाला हाँ आंसर टा आसीबो ताहले मुझे लेट न करी कौटी जी प्रॉब्लम फोर को चलि तुम्हें आंसरटा कर लिखिकी मत देख क्लियर अच्छा। प्रॉब्लम फोर में कौन कली ना एटा को देख ली सी एल को देखीद ठीक अच्छे। देख जदि एनिलीन रे सी एल थी एनएच टू ये कौन कली सी एल ये कौन कली एनएच टू ये करी सी एल एठी भी सिक्वेन्स सेम आसीबो काहेकि ना एठी दीटा आम्बिग्युटी तुम माइंड रे आसु थाई पारे कौन ना सी एल टा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थिला
विड्रइंग थिला हना ना किंतु से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भलिया कहीं सिक्वेन्स देखा एटा हूँ यार सिक्वेन्स ठीक अच्छे कौन यटार ना पाराक्लोरो आनिलिन ले तो यार फर्स्ट लाइन टा भी लिखीदे आंसर तुम्हें भी लिखीदे पार क्लियर अच्छा मुझे टी एटा इलेक्ट्रॉन विड्रइंग भी कहीं तुमको देखा कौन तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भाया सिक्वेन्स कहीं देख टे ठीक क्लोरीन टा देख क्लोरीन के बंड कर गोटाए है जदि गोटे बंड कर आहरी के लोन पेयर अच्छे वन टू थ्री है तो यही गुड़ाक रिंग को दे पार से देख इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो आम मन पड़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते ये कौन नहीं क्लोरीन तो ये एम डबल 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 करते एम लोन पेयर तीन टा जाक रखुले हाँ ये आणुले तो यहाँ इटिक अर्थोपारा पोजिशन अर्थोपारा डायरेक्ट देख ना तो मैंने ये रिंग प्रेजेन्स कौन देखा प्लस आई इफेक्ट भाया देखा प्लस आर इफेक्ट भाया देखा ओके सो यटा क्या भाया आक्ट कला एति तो मु फर्स्ट लाइन टा कौन लिखी ना इन एटा नहीं जीवो कि जोटा नहीं जीवो इन दीज केसेस एंड ना लिखीदब इन दीज केसेस सी एल आटम हाज थ्री लोन पेयर्स लिखीदेली हाँ थ्री लोन पेयर्स ऑन इट सो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू द आरोमेटिक रिंग है लाइन टा फास्ट के रखिबो आरोमेटिक रिंग सो सो तापर एमती लिखिबो इन तापर तुम आंसर कौन इन केस ऑफ पार ऑर्थोक्लोरो एनिलिन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इट इज लिस्ट बेसिक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनएच टू इज लिस्ट ड्यू टू अर्थो इफेक्ट मन रखी था ये सब क्वेश्चन रे हाफ मार्क केवल थी अर्थ इफेक्ट वार्ड पाई ठीक अच्छे कहीदेली तो अर्थ इफेक्ट पाई टा जानीगले ठीक अच्छे ए आंसर एबे ए गोटे लाइन आड करके लिखिदे पार सेम आज एभव लिखिदे पार मैंने निजे कम्प्लीट कर आंसर मुखिदे पार मास्टर मैंने लिखिदे पार स्टूडेंट नुह है बर्तमान प्रोब्लेम फाइव फाइव को चल प्रॉब्लम फाइव रे कौन कली एबे देख मुझे रिंग रे सब्स्टिट्यूएंट लगाऊली हना ना बर्तमान मुझे एन रे सब्स्टिट्यूएंट लगे यटार रीजन इजी तुम्हें आगर एटा ए टाइप रो सारी ठीक अच्छे केवल आरोमेटिक रिंग रे कर तुम्हें से भाव सपोज ये तुम दीटा अच्छे सी एच थ्री ओके आउ गोटे अच्छी एमती ये अच्छी एन गोटे एच लगी गोटे एमी एमी कौन रे मिथाइल मन रखी था एमी है मिथाइल यहाँ जहा या से भावने एमी कौन देदेला आम तो भाषीगल है बहुत छुआ एम भावुं बिलकुल टोटाल सेम भावार ना एमी कहले मिथाइल ओके आ गोटे कौन दे आनिलिन ठीक अच्छे ये तीन जन भितर सिक्वेन्स कौन हम ना देख ये ये कौन देखा प्लस आई इफेक्ट ये कौन देखा प्लस आई इफेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन हो बढ़ु तेणुक यहाँ ग्रेटर ठीक अच्छे ये कौन देखा गोटे प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ भी या ठू ग्रेटर किंतु ये कौन हो टुवर्ड्स रिंग तुम कौन हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसुच्छे तो मैंने ये कोई इफेक्ट देखा माइनस आर और माइनस आई माइनस रिजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो एमती लिखीदब ना या ना कौन एन एन डाइमिथाइल एनिलिन या ना कौन एन एन डाइमिथाइल एनिलिन यार गोटे कैटेगरी ये लिखिदे ठीक अच्छे एन एन डाइमिथाइल एनिलिन यार गोटे कैटेगरी आंसर मिले ये कौन हो एन मिथाइल एनिलिन ठीक अच्छे यहाँ कौन खाली रहा एनिलिन करेक्ट ठीक अच्छे तो बर्तमान मु कौन लिखिली एमती करदेवी देख इन एन एन डाइमिथाइल एनिलिन
in N,N-dimethyl aniline due to 2+I effects of 2 CH3 groups. इथरे इंपोर्टेंट कौन 2+I effects हला groups electron density on N atom becomes highest, becomes most. So it is most basic. कौन कहली most basic. ठीक अच्छे हाँ अच्छा तापर टाइप कौन लिखिवा in N methyl aniline only 1+I effect and in aniline no 2+I effect. No 2+I effect is there. Okay, so electron density decreases. Electron density decreases. कहाँ ऊपरे on N atom. So basicity decreases. ठीक अच्छे basicity कौन है गला decreases. ठीक अच्छे देखो सब बेले मन रखी था लिखी सरला पर ठीक है चेक करियो तुम्हें साइन दी जो ना नहीं पिला कौन करते लिखा टाइम एत बड़ा ही जाते सैन दिखती केवल ये सैन पर हाफ मार्क अच्छे ठीक अच्छे केत प्रोब्लेम कल पाँच छ को जा ठीक अच्छे छटा गोटे बड़ सिक्वेन्स अच्छे ठीक अच्छे क्लीयर देख कौन कल छ नंबर रे एमती दे तुम कौन दे भाया दे एठे अच्छी एन एठे लागी दीटा इथाइल केतरा इथाइल लागी दीटा तापरटारे गोटे इथाइल इटी कहले कौन इथाइल एन एच इटी ठीक अच्छे तापरटारे कौन लागी एन रे दीटा मिथाइल ओके आउ तापर लागी एन रे गोटे मिथाइल एन एच एम इ ओके तापर किए अच्छी एन एच टू एनिलीन तो एथरे सिक्वेंस कौन होची टिके केयरफुल देख एटा होची सिक्वेंस ठीक अच्छे तुम कहो ये तो दीटा अल्किल ग्रुप अच्छे दीटा प्लस आई एफ हवा कथा ये गोटे अच्छी ये कमी अधिक हो मन रखी था ये कार्बन चेन टा कौन अच्छे लंगर इथाइल मैंने के कार्बन चेन दीटा ये कि गोटिकिया कार्बन चेन अलग अलग दीटा है तेणुक सब मन रखी था चेन लेंथ अधिक हेल्ले तार प्लस आई इफेक्ट इज मोर है तो फास्ट कि यार आंसर रे सभा फास्ट कि एनिलीन लिखिदेव तो ताम सारीदेव एमती लिखिदेव इन एनिलीन नो 2+I इफेक्ट इफेक्ट इज देयर सो कौन है गला इट इज लिस्ट बेसिक काम सर ठीक अच्छे तापर क्या विषय लिख इथाइल मिथाइल कंपैरिजन टा लिखिदेव है तो एम लिखिदेव इन बिटवीन इथाइल एंड मिथाइल मोर द कार्बन चेन लेंथ मोर इज द प्लस आई इफेक्ट दैट इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ इटी इथाइल इज ग्रेटर दैन प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ओके ठीक अच्छे एति लिखला परे फास्ट स्ट्रक्चर पे लिखिबो या पे लिखिबो इन
एगुड़ा कले खेला बेले बेटर यहाँ को एमती ना दे दो वन टू थ्री ओके तापरे कौन दे दे थी वो फोर एटा फाइव हो है तो लिखी दब लिखला बेले सहज हो इन मॉलिक्यूल वन और कंपाउंड कंपाउंड वन कौन है जीवरे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू इथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन एटम बिकम्स मोर मोस्ट लिखी दबो हाईएस्ट बोली है इन टू सेकेंड टारे कौन हबो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ वन ईटी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस दैन स्ट्रक्चर वन सो इट इज लेस बेसिक दैन वन हब वन रिटर्न लेस बेसिक तापरे लिखी दबो इन स्ट्रक्चर थ्री एंड फोर ओके कौन लिखी दबो थ्री एंड फोर ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट इफेक्ट ऑफ कौन ना सी एच थ्री ग्रुप्स और मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इज लेस ओके सो बेसिसिटी इज लेस क्लियर ओके अच्छा ये प्रॉब्लम सॉरी होला तो तुम्हें सेम टाइप रे देख मु आ गोटे तुमको प्रॉब्लम दोची सात केते नंबर प्रॉब्लम होला 6 सेवेंथ रे देख एमते देछि सेवेंथ रे सपोज एमते देछि एनिलिन माने एठी कोन रहिला NH2 क्लियर आ कोन रहिला ना आ गोटे रहिला एमिति C6H5 माने कोन फिनाइल ला आ गोटे रहिला दीटा फिनाइल माने एक्चुअली लागि छै देखिया को गले तीनटा एपटे फिनाइल फिनाइल को भी पीएच लेखंती ठीक अछि C6H5 को ठीक अछि तो एमानकर सब कोन माइनस आई इफेक्ट ऊपर टा लेखथला प्लस आई जस्ट एबे कोन कर दबो माइनस आई सॉरी माइनस आई ओके एयर कोन रहिबो माइनस आई इफेक्ट ठीक अछि एठी कोन रहिबो नो माइनस आई इफेक्ट नो माइनस आई इफेक्ट जको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हिजो हाईएस्ट एठी माइनस आई इफेक्ट जको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन सेठी होतला इंक्रीजेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट 1 माइनस आई इफेक्ट एठी कोन हिजो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 माइनस एक्चुअली एठी भी 2 एठी केतेटा दीटा एटा भी पीएच ना एठी केतेटा गोटाए एठी दीटा एठी केतेटा तीनटा तीनटा माइनस आई इफेक्ट लेखि आसिबो इन एनिलिन ओनली 1 माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइलिन सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस लेस सो इट इज मोर बेसिक एठे हे जेबो ड्यू टू 2 माइनस आई इफेक्ट्स ऑफ 2 फिनाइल रिंग्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मोर सो बेसिसिटी डिक्रीजेस मोर ला इन केस ऑफ ट्राई फिनाइल आई मीन ड्यू टू 3 माइनस आई इफेक्ट्स ऑफ 3 फिनाइल रिंग्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मैक्सिमम सो इट इज लीस्ट बेसिक कह दे ला लिख दबो चल प्रॉब्लम 8 को ठीक अछि प्रॉब्लम 8 टा मिक्सचर टा एमते देछि NH3 विड्रॉइंग भी अच्छी डोनेटिंग भी अच्छी देखिबा तापर कौन अच्छी एमिति NHCET इथाइल ओके तापर कौन देची
तुमने ये सिक्वेन्स लिखिक मत कह ये अच्छी एन एच एटी अच्छी सी एच थ्री ठीक अच्छे तापर अच्छी एनिलीन ओनली कौन दे एनिलीन ओके तापर दे डाइफिनाइल एनिलीन माने एटा एन एच एपटे पी एच यही तकर सिक्वेन्स तुमको लिखवार अच्छे तो ओब्वियसली ना ये प्लस इफेक्ट अच्छे ना कि अच्छे है यही दु जन भितर केवल जे जापर बाकी तक तो करदेगी ठीक अच्छे यही दु जन खाली चिन्हार अच्छे देख एटी ना प्लस आई इफेक्ट ना माइनस आई इफेक्ट कितु ये गोटे प्लस आई सरी हाँ ठीक अच्छे प्लस आई ठीक आर दे ठीक अच्छे आउ ये गोटे माइनस आई ठीक अच्छे तेणुक यहाँ यही दु जन भितर प्लस आई माइनस आई भितर बाड़ेपिटे चलो है तेणुक ये कौन हुए जेहेतु रिजोनान्सटा स्ट्रंग रिजोनान्सटा स्ट्रंग माइनस आई इफेक्टा डोमिनेट हो जाए तो ये कौन हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर इन कंपैरिजन टू दिस वन सो यहाँ हाईएस्ट एन एस थ्री टा कौन हाईएस्ट बाकी तक रिजन तुम जान कमाई एटा सामान अच्छे केवल यहीटा को देख किए मोर डोनेटिंग किए विड्रॉल किए प्लस आई किए माइनस आई से देखीदे आंसर है करके मत आंसर कह ओके चली कौट की प्रोब्लेम नाइन को तो मन मन भाव सर मझे मझे कौटे पलिए बोली कहते कड़े जीवी मानने केवल जीवी कहली मैंने नेक्स्ट प्रोब्लेम को ओके तो बर्तमान कौन कली पी नाइन एटा अच्छे यहाँ गोटे भल टाइप सी एच थ्री एन एच टू ए टाइप करे सी एच थ्री एन एच टू आ गोटे सी एच थ्री एन डबल बंड है सी एच थ्री ठीक अच्छे आ गोटे सी एच थ्री सी ट्रिपल बंड एन है ये से पचार बेसीसीटी अर्डर मन रखी थी ये देखीदेव कौ गुड़ाक एसपी हाइब्रिडाइजेशन कौटा एसपी टू कौटा एसपी थ्री जो सिंगल बंड से कौन हुए एसपी थ्री जो डबल बंड थी से कौन हो एसपी जो ट्रिपल बंड थी से कौन सॉरी जो डबल बंड से एसपी टू जो ट्रिपल बंड से कौन एसपी क्लियर जदि ये जिनस जाणीगली ताल मोर काम सरीगला कौन सरीगला ना आम जाचे एसपीटा हूँ मोर एसीडिक एसपीटा मोर एसीडिक सब मन रखी थी ट्रिपल बंड मोर एसीडिक आ लिस्ट एसीडिक किए ना यहाँ लिस्ट एसीडिक किए जे सिंगल बंड तो जे एसीडिक लिस्ट से कौन हो मोस्ट बेसिक है यहाँ कौन हो लिस्ट बेसिक ओके तो यहाँ मझे मझे रहा तो यहाँ मोर बेसिक यहाँ लिस्ट बेसिक रिजनटा लिख के ना एंड लिखीदेव इन सी एच थ्री सी एन एन इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ओके सो एस ऑर्बिटल इज मोर पेनेट्रेटेड टुवर्ड्स कौन न्यूक्लियस न्यूक्लियस आड़ को से रहे सो इट इज मोर बेसिक कौन है इट इज मोर सॉरी मोर एसिडिक एंड लिस्ट बेसिक एंड लिस्ट बेसिक सेमती तापरटा लिखीद एसपी थ्री पे इन सी एच थ्री एन एच टू इट इज एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड ओके एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड क्लियर तो बर्तमान कौन हो तुम काम है लिखीदेव सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन नाइट्रोजन आटम ड्यू टू कौन ना प्लस आई इफेक्ट ओके ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट सो इट इज मोस्ट बेसिक
मोस्ट बेसिक, क्लियर, मोस्ट बेसिक लिखी देला काम शेष। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम जीवा पी टेन। अच्छा देख ल बर्तमान एबे जस्ट जमती कल से टाइप रो, तो एटा अच्छी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू। ओके एठी देछि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एन एच टू, आ गोटे देछि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू एन एच टू, सब थे एन एच टू अच्छी एटी डबल एटी ट्रिपल, तो ये कौन हो सिंपली एसपी, एटी कौन हो एसपी टू, एटी कौन हो एसपी थ्री, यार कौन हो प्लस आई इफेक्ट अधिक, एटी लेस एटी मोर एसिडिक ला, तो सिक्वेन्स भी कौन आस लिख ल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को चल पी इलेवेन। ओके देख कौन कली ना नेक्स्ट रे एटा दे सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, क्लीयर है बर्तमान ये कौन हो रे ओ एच एटी सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू है यह सिक्वेन्सटा ये कौन आग लिखि सारे हो ठीक अच्छे ओ एच एटी रहा सी एच टू सी एच टू एन एच टू, केयरफुली मार्क कर एटी दीटा चेन अच्छी एटी तीन टा चेन एटी केवल प्लस है ठीक अच्छे। तो फास्ट एटार ए दीटार कंपेरिजन देखिद फास्ट लाइन में लिखिदेव ओ एच ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ड्यू टू कौन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कहली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ आटम, ऑक्सीजन टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है फास्ट लिखिदेल ये दुटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा ठीक अच्छे। तापर लिखिदेव जे इन केस ऑफ सेकेंड एटा टू सॉरी एटा टू एटा को थ्री दे दियो एटा को वन दे दियो इन टू द चेन लेंथ द कार्बन चेन लेंथ इज मोर बिटवीन एन एच टू एंड ओ एच है सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और माइनस आई इफेक्ट ऑफ ओ एच इज लेस है माइनस आई इफेक्ट कौन है गला लेस सो इट इज मोर बेसिक देन थ्री है आ गोटे लाइन लास्ट को लिखिदेव ना इन स्ट्रक्चर वन ड्यू टू ओनली ओनली प्लस आई इफेक्ट ऑफ सी टू एच फाइव माने इथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड इट इज मोस्ट बेसिक, क्लियर है ये तुम ये प्रॉब्लम सेशन एत सारा सब तक डिस्कशन कर देली सब वैरायटी। ओके थैंक यू ऑल।